दोस्तों आईपीएल साल 2022 का सीजन अब सबसे बड़ा टूर्नामेंट बनने वाला है, क्योंकि यहाँ दोस्तों उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। और एक्साइटमेंट का कारण ये भी है कि मेगा ऑक्शन होने वाला है आईपीएल के अंदर, तो ये भी एक अच्छी बात है। रिसेंटली वर्ल्ड कप हमें देखने को मिला, जिसका यहाँ पर दोस्तों अंत हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है साल 2021 का टाइटल। देखते हैं अगले साल ये टाइटल कौन अपने नाम कर पाता है। खैर अभी आईपीएल की बात करते हैं। आज बात करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में। टीम के केयर की काफ़ी सारी टॉप अपडेट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिन भर के अंदर, तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाले। बट मैं आपको बता दूं हमारे नए चैनल के बारे में, ये चैनल बेस्ड है क्रिकेट के ऊपर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। यहां पर आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि आपको काफी सारी टॉप ट्रेंडिंग अपडेट टीम क्रिकेट के अलावा मिलेगी, केकेआर के अलावा मिलेगी, साथ ही साथ आईफोन और अलग चीजों का गिव अवे है। तो दोस्तों ये वीडियो और वो वीडियो भी जरूर जाकर देखना, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत मजेदार होने वाली है। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2021 से कुछ सीख लेकर साल 2022 के अंदर उसको इंप्लीमेंट करेगी, बट यहां अभी मेगा ऑक्शन के अंदर उनको वापस एक अच्छा स्क्वाड बनाना है। आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग टीम केकेआर को किन किन प्लेयर्स को और कितने प्लेयर्स को रिटेन कर लेना चाहिए। टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट निकल के आ रही है वेंकटेश अय्यर को लेकर। तो हमने तो रिसेंटली आप सभी को बता दिया था कि वेंकटेश अय्यर ने क्या यहां पर स्टेटमेंट दी थी, फिर से मैं आपको बता देता हूं। बेन स्टोक बनना चाहते हैं वेंकटेश अय्यर इंडिया के, यानी उन्होंने बोला है कि बेन स्टोक जैसे इंग्लैंड के लिए करते हैं वैसे ही वो गेम फिनिश इंडिया के लिए करना चाहते हैं, जो कि वेंकटेश अय्यर है। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अब भी इनका चयन हो चुका है टीम इंडिया के लिए, और दोस्तों ये अभी जयपुर के अंदर जो मैच होने वाला है उसके अंदर ये खेलने वाले हैं। अब प्लेइंग 11 में खेलेंगे नहीं खेलेंगे उसके ऊपर अभी कोई बेंट्स नहीं है, बट हाँ दोस्तों और काफी अच्छे चांसेस है कि उनको मौका दिया जाएगा। और एक और खास बात मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे पास स्पेशल पास आ चुके हैं, वीआईपी पास आ चुके हैं जयपुर के मैच के लिए, तो हम वहां जाने वाले हैं, वेंकटेश अय्यर से भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप उसका लाइव व्लॉग देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, और साथ ही साथ जो नीचे नया चैनल है उसका भी लिंक दे रखा है, उस चैनल के ऊपर हम आएंगे लाइव मैच के अंदर से, तो वो चैनल भी जरूर आप विजिट कर लेना। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है न्यू एंट्री को लेकर। तो यहां हमने रिसेंटली केकेआर की टारगेट प्लेयर की एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर हमने आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर पांच पांच प्लेयर्स यहां पर दोस्तों बताए थे, पांच प्लेयर्स बैट्समैन बताए थे, पांच बॉलर्स बताए थे, पांच ऑलराउंडर या फिर विकेटकीपर बताए थे। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं कि अब नई एंट्री के अंदर नए प्लेयर्स की यहां एंट्री और होने वाली है, और ये एंट्री नाम नहीं होंगे बल्कि मैं आपको हिंट बता देता हूँ किस कंट्री से ही आने वाली है हिंट्स। दोस्तों मैं आप सभी बता दूं कि ब्रैंडन मैकुलम यहाँ पर हेड कोच थे और बैटिंग कोच भी थे, बट इनका कॉन्ट्रैक्ट किस साल एंड होने वाला है वो भी आईपीएल साल 2022 से पहले। बट यहाँ दोस्तों फिर भी ये केकेआर टीम में रहने वाले हैं, केकेआर की मैनेजमेंट के अंदर रहेंगे। रोल पता नहीं कि बैटिंग कोच रहेंगे, हेड कोच रहेंगे, दोनों रहेंगे या फिर उससे आसपास क्या होता है, मतलब कुछ भी रोल अभी यहाँ पर कन्फर्म नहीं है। बट मज़े की बात तो ये है कि यहाँ पर जब ब्रैंडन मैकुलम टीम में रहने वाले हैं तो ये मैनेजमेंट की तरफ से 5 से 7 बड़े बड़े प्लेयर्स को टारगेट लिस्ट के अंदर डालेंगे, जो कि न्यूजीलैंड के होने वाले हैं, और उन 5 से 7 में से कम 3 तो केकेआर ऑक्शन में खरीद ही लेगा। आपने देखा होगा रिप्लेसमेंट आ रही है तो भी यहां पर दोस्तों न्यूजीलैंड से ही आ रही है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर अच्छे प्लेयर्स ब्रैंडन मैकुलम सजेस्ट करते थे तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग केकेआर कितने न्यूजीलैंड खिलाड़ियों को अगले साल टीम में अपने ले लेगा। लास्ट अपडेट निकल के आ रही है वेंकी मैसूर को लेकर। तो आप सभी जानते हो केकेआर के सीईओ और एमडी हैं यहां पर वेंकी मैसूर। इन्होंने रिसेंटली बोला था कि अपनी टीम की परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा खुश है, खासकर फेज 1 की जो यहां पर परफॉर्मेंस थी, फेज 2 में इन्होंने काफी कमबैक किया, और अब इन्होंने बताया कि अभी एक स्पेशल टीम यानी कि स्पेशल क्रू यहां पर अपॉइंट करने वाले हैं, जिसके अंदर दोस्तों वो 10 मेंबर का होने वाला है, और वो करेगा यहां पर टीम की ब्रांड वैल्यू को इवैल्यूएट यानी ब्रांड वैल्यू और बढ़ाएगा, ताकि जो केकेआर के फैंस है वो और ज्यादा बढ़ सके, इंक्रीज हो सके। तो ये थी दोस्तों टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। अगर आपने हमारे उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वहां गिव अवे भी चल रहा है और आपको आगे आने वाले टाइमों के अंदर और बहुत सारे वहां पर न्यूज मिलने वाली है। तो ये थी टीम केकेआर की टॉप अपडेट्स। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को जरूर लाइक करो।